आज नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संगठन की बैठक का आयोजन संगठन के महानिदेशक दिलावर सिंह की अध्यक्षता में करनाल स्थित कार्यालय पर किया गया। श्री दिलावर सिंह के अनुसार यह बैठक 23 मार्च को शहीदी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश के हर एक छोटे बड़े का फर्ज बनता है कि उन शहीदों को सम्मान दे जिनकी कुर्बानियों से ये आजादी मिली है। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए संगठन के प्रशासनिक व जांच विभाग के राष्ट्रीय निदेशक राजेश सत्यवादी ने बताया कि संगठन हर एक उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही हो। उन्होंने भविष्य की योजनाओं पर बताया कि संगठन महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए जल्द ही मार्शल आर्ट आईकिडो के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। इस अवसर पर लीगल सेल के राष्ट्रीय निदेशक के देसवाल, अधिवक्ता अशोक जैन, अनिल मलिक, अजय कुमार ठाकुर, मनजीत कौर उपस्थित रहे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी एसोसिएशन है कब से रजिस्टर्ड हुई और कितनी स्टेट्स को साथ लेकर चल रहे हैं? मैम, ये इसको सेटअप करने में दिलावर सर ने काफ़ी अपना टाइम वेस्ट लगाया है, वेस्ट ही किया है किस्म से अभी तक औरों की नज़र में। लेकिन 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद से इसको हम 7 स्टेट में अभी तक सेटअप कर पाए हैं, जिसमें अंडमान और कश्मीर बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन दो और जगहों पे जाती हैं। लेकिन हमारी यूनिट कश्मीर में भी है और इधर भी है। हमारी वर्किंग में सिर्फ 5 आदमियों को अपॉइंट किया जाता है, 5 पोस्टें फिलअप होती हैं हर स्टेट पे। उसके बाद उसी लेवल पे हम नीचे तक ग्रामीण एरिया तक ये वर्क करते हैं। जी सर, वुमेंस के लिए किस किस विषय पर उनके लिए वर्क करते हैं सर? वुमेंस के लिए हमारा एजुकेशन तो हम उस तरह की एजुकेशन नहीं, सिर्फ अवेयरनेस क्राइम के ऊपर, अवेयरनेस जो वुमेंस के अगेंस्ट हो रहा है या आज के दौर में जिस तरह के भी हालात हैं उनसे हम उनको सेफ होने के लिए अवेयर करते हैं। कानून के बारे में बताते हैं कि उनके बेनिफिट्स में किस तरह के कानून, कौन कौन से कानून उनके फ़ायदे में हैं, तो उनको हम क्राइम के ऊपर, करप्शन के ऊपर और जो अदर्स उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हम अवेयर करते हैं जो सामाजिक तौर पर उनको बेनिफिट हो सके। सर, जैसे आप महिलाओं को अवेयर करते हैं, अवेयर करने के साथ साथ क्या सेल्फ डिफेंस का भी कुछ ऐसा उनको सिखाया जाता है? मैम, ये हमारे भविष्य में प्रोग्राम है, क्योंकि उसके लिए हमारे को पूरी एक अलग से टीम सेटअप करनी पड़ेगी। अभी सिर्फ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेटअप जो है, क्योंकि हमें सेंटर से हम जुड़े हुए हैं, हम ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर हम जुड़े हुए हैं तो उससे हम, या सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे अगर हम छत्र छाया में वर्क करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे को ये शो करना ज़रूरी है कि हम कितने एरिया को कवर कर रहे हैं। ये पहले हम सेटअप करेंगे कि एरियाज़ को, उसके बाद फिर इसके लिए हमारे पास वो हमारी छानबीन चल रही है। एक हमारे आने वाले समय में आप सेल्फ डिफेंस के लिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और हमारा ये रहेगा कि जो दूसरे मार्शल आर्ट्स हैं, सिंपल मार्शल आर्ट कहलाते हैं, उसको नहीं करेंगे हम, आईकिडो को प्रमोट करने। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज की मीटिंग है? आज की मीटिंग हुई है मैम, जो हमारे शहीद हुए हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी शहीदी दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम रख रहे हैं हम ऑफिस में, NCBI के ऑफिस में, ताकि उनको पुष्पांजलि अर्पित कर सकें और राष्ट्र प्रेम की भावना पब्लिक में जागृत कर सकें। जो मीटिंग का जो कार्यक्रम रखते हैं शहीदों के सम्मान में सर, वो कब का रखा जाएगा? ये 23 मार्च का मैम। क्या कुछ विषय रहेंगे सर? बस इसके लिए तो सिर्फ यही विषय रहेगा, सिर्फ भाई जो हमारे देश में शहीद हुए हैं जिनकी वजह से हम आज स्वतंत्रता की सांस ले चुके हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए, अगली पॉपुलेशन को और जनरेशन को उनको भूलना नहीं चाहिए ताकि याद रखें उनको। कुरुक्षेत्र से मंजीत कौर की रिपोर्ट।